पहला, एक तो किसी की भी मीटिंग मिस मत करना, ये बहुत जरूरी है। आप लोग पता है क्या गड़बड़ करते हैं, दिनेश चौधरी आ रहा है ज्यादा चलो, कोठारी साहब आ रहे हैं ज्यादा चलो, वस साहब आ रहे हैं ज्यादा चलो, राकेश शर्मा सर आ रहे हैं ज्यादा चलो, अत्री साहब आ रहे हैं ज्यादा चलो, बीसी सर आ रहे हैं ज्यादा चलो, केसी सर आ रहे हैं। मैं बोलता हूं कोई भी आए, एक लीडरशिप अचीवर की भी मीटिंग हो, मीटिंग में आना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ध्यान से सुनना, इस दुनिया को हाजिर जवाब चाहिए। जब भी आपसे कोई पूछता है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब होगा तभी आप इस जंग को जीत पाओगे। अभी मान लो आप हर मीटिंग सुनो और वो कह दे 37 क्यों नहीं डाले, आप क्यों 39 डाले, तेरे को पता नहीं चार अगली बार ऐड करेंगे, डाल तो पहले ही रखे हैं। क्या बोलेगा आगे? लेकिन ये तब हो पाएगा जब हर मीटिंग में आओगे। और मैं ये नहीं कहता दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता जाओ, जहां आसपास मीटिंग है एक मीटिंग महीने का जरूर सुनो, वो दिल्ली में सुनना पड़े तो सुनो। आ सकते हैं? यस। सेकंड, जब भी मीटिंग में आओ अपनी फैमिली को साथ लाओ, मीटिंग में कभी अकेले मत आना। अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी को हमेशा साथ लाओ, क्योंकि ये सिस्टम है फैमिली का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे पास प्रोडक्ट है गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, आप ईमानदारी से बताओ इन प्रोडक्टों की लिस्ट घर में कौन बनाता था आज से पहले, जब हम जॉब में थे या व्यापार में थे? कौन देता है? कौन सा सर्फ लाना है, कौन सी साबुन लानी है, कौन सा ब्रश लाना है, कौन सा पेस्ट लाना है, कौन देता था? भाई अगर वाइफ लिखते कोलगेट लाना, आपकी ताकत है पेप्सोडेंट ले आओ? है ताकत? और ले भी आए ना, वो कहेगी इसे आप ही करना और रात का खाना भी आप ही बनाना। ये प्रोडक्ट वो है जिनकी लिस्ट वो देती है, उनको हम ला नहीं रहे। और दूसरा इसलिए लाना चाहिए, देखो दुनिया में सबको समझाना आसान है, पत्नी को वो प्रश्न ऐसे पूछती है जिनके उत्तर नहीं बने आज तक। कलेक्टर जानते, कलेक्टर पूरे जिले पर राज करता है, जब उसकी गाड़ी निकलती है रोड साफ हो जाती है, लेकिन सुबह पीने का पानी घर में खुद भरता है। बहुत गहराई से समझो आप इस सिस्टम को, फैमिली बहुत जरूरी है। बगैर फैमिली के सपोर्ट के इस बिजनेस में आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें जितना डिस्टर्ब पत्नी करती है ना शुरू में, इतना वो भी नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है ना भाई। जॉब का पता है पत्नी को, 10 बजे गए 5 बजे आ जाएंगे, व्यापार में पता है 10 बजे गए 2 बजे घर आ जाएंगे, इसमें टाइम फिक्स नहीं है। इसमें आज निकले शाम का कह के 3 दिन बाद आदमी घर पहुंचता है। आप मीटिंग देने गए तो लोगों ने कहा सर कल 30 किलोमीटर दूरी है, फिर वापस जाओगे 100, फिर कल 130 आओगे, तो रात को यहीं रुक जाओ ना, कल यहीं से चलेंगे, फिर चले जाना कल। अब आप कह के आए थे शाम को आ जाऊंगा और जाओगे कल, तो आना तो घर ही है ना। बोले 3 दिन बाद आओ, आना मैं बताऊं फिर क्या होगा? बताऊं? यू नो सांप, सांप सांप कहां रहता है? बिल, बिल, बिल मतलब उसका घर, वो हमारी लैंग्वेज में बिल है, उसका घर है। हम कहां रहते हैं? घर। वो हमारी लैंग्वेज में घर है, उसकी लैंग्वेज में वो बिल हो सकता है। दोनों सुबह निकलते हैं घर से, सांप भी और हम भी, वो किसके लिए? अपने बच्चों के लिए और हम अपने बच्चों के लिए। दोनों सांप को घर आ जाते हैं। सांप को कभी चलते हुए देखा कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा। लेकिन बताइए टेढ़ा मेढ़ा कब तक चलता है? जब तक घर से बाहर रहता है। जब तक घर से ऐसे ही चल रहा है, क्यों घर के बाहर याद है? लेकिन जैसे ही शाम को घर आता है और देख लिया घर आ जा, सांप जैसी खतरनाक चीज जिससे आदमी डरता है वो घर आने पे सीधी हो जाती है। बस मैं अब इसके आगे नहीं कहूंगा।
जरूरी है। और इसलिए फैमिली को लाना जरूरी है, ये सिस्टम है आपके ड्रीम पूरे करने का। नौकरी जरूरत पूरा करती है और ये सपने पूरा करता है। और जहां सपनों की बात आती है ना, तो जहां पुरुष सपने देखना बंद करता है, महिलाएं वहां से सपना देखना शुरू करती है। डाउट है? 5000 साल पहले लोग लिख गए महिलाओं के बारे में कि एक महिला 16 सिंगार करती है, शास्त्रों में लिख गए 5000 साल पहले। क्या एक महिला 16 सिंगार? मेरे को एक शास्त्र में यह लिखा हुआ दिखाओ, ये पुरुष भी 3 सिंगार करता है। 16 पता क्यों? देखना, महिला की चॉइस बड़ी है, उसे हर कलर के कपड़े चाहिए, जितने कलर के कपड़े उतने कलर के मैचिंग के चप्पल, उतने कलर के मैचिंग की लिपस्टिक, उतने कलर के मैचिंग का नाखून पॉलिश, उतने कलर के मैचिंग की चूड़ियां, उतने कलर के मैचिंग के बक्कल। फिर एक दिन वो आपको भी बोलती है, आप भी मैचिंग से पहना करो ना। तो आदमी मन मन सोचता है, इसको बोलता तो नहीं, कि पूरी जिंदगी कमा कमा के तेरे मैचिंग में चला गया, मैं किधर मैचिंग करूं। उसका ड्रीम बड़ा है। डाउट है? क्या तो प्रैक्टिकल क्लियर करें एक सेकंड में। पीछे बताओ, कितने लोग अपना जींस टी शर्ट सेल्फ खरीदते मार्केट से? कितने लोग अपना परचेसिंग करते हैं कपड़ा, जींस टी शर्ट जो भी एक्स वाई जेड सभी करते हैं। आपको 5 ड्रेस लेना हो, कितना? 5। तो दुकानदार कितनी ड्रेस दिखाए जो आप 5 लिया हो? 7, 8, 10, 12। देखो पता लग गया ना आदमी का ड्रीम कितना बड़ा है। 7 दिखाई, 5 लिया है। जितनी आप ड्रेस देखते हैं ना, इतनी ये दुकान देखती है। अब बताओ ड्रीम किसका बड़ा? और फिर हम ला नहीं रहे, और फिर कह रहे सर बिजनेस बढ़ नहीं रहा। अरे जिसका ड्रीम बड़ा उसको तो ला ही नहीं रहे आप। मैं बताऊं एक महिला का ड्रीम क्या होता है, बताऊं? किसी भी महिला से पूछना, उसका एक आम महिला का पता है क्या ड्रीम है? जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी का सबसे बड़ा घर हमारा हो, जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी की सबसे बड़ी कार हमारी हो, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं उस कॉलोनी के सबसे बड़े स्कूल में हमारे बच्चे पढ़े। ये एक आम महिला का ड्रीम है। अब प्रश्न आता है, आज तक बताया क्यों नहीं इसने? क्योंकि आपने पूछा नहीं। और आपने क्यों नहीं पूछा? रीजन था, क्योंकि आपका सैलरी 25,000 है। और कभी आप एक्साइटेड होके पूछ लो और ये कुछ बड़ा मांग ले, नहीं ला पाए तो भी तो इंसल्ट है। मान लो अभी आप जोश में आके पूछ लो, बोल क्या चाहिए तेरे को, ये कहते BMW कार लिया और टायर नहीं आते उसके। तो छोड़ दो, BMW का टायर ही 7 लाख के आते हैं। एक सीरियस बात करो, आप लोग आरसीब कर तो रहे हो लेकिन टाइम पास कर रहे हो। और मैं इसलिए इस बात को कहना चाहता हूं, आज से अगर इस बात को सुन के भी आप सीरियस नहीं हुए तो फिर इस दुनिया में आना बेकार है। या तो करो इसको बिल्कुल प्यार से, प्रोफेशन है आपका, या फिर इसमें टाइम पास मत करो। करो क्लियर? यस। कड़वा है थोड़ा? यस यस, सच कड़वा होता है। यस। बड़े ध्यान से सुनना, इस भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं रहती, मजबूरी में रहती है। बहुत कड़वा सच है। इस भारत में 80% महिलाएं अपने पति के साथ इच्छा से नहीं रहती, मजबूरी में रहती है। और जिसके साथ मजबूरी में रहती है उस पुरुष को बहुत सोचने की जरूरत है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और क्यों रहती है मैं बताऊं? क्योंकि हमारे भारत में संस्कार ही ऐसे दिए गए हैं। जब एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसके माता पिता उसको बोलते हैं, बेटा कुछ भी हो रहना वही है। ये बात पता है मैं क्यों कह रहा हूं? मेरे को इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है, कोई छोटापन महसूस नहीं हो रहा। कहानी रियल है तो रियल है। कभी पूछना मेरी पत्नी से, आप मिलोगे किसी प्रोग्राम में, जब मैं जॉब में था ना, तो मेरी पत्नी पता है मेरे को क्या बोलती थी?
अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, आपके साथ रहती हूं। बहुत दर्द होता, उस समय मेरा बच्चा 4-5 साल का था, उसके सामने ओपन बोलती थी, बहुत सारी तो मन में सोचती होगी पर वो ओपन बोलती थी, बहुत दर्द होता। तो मैं आज सोचता हूं गुलाटी सर कि अगर उस समय कोई ऑप्शन होता, शायद मैं सिंगल ही होता अगर ऑप्शन होता तो। यानी मैं जॉब में था तो उसका स्टेटमेंट ये था, आज बताऊं क्या है, अब बोलती है मर भी गई तो भूत बन के साथ रहो। क्या हो गया ऐसा 16 साल में, क्योंकि 16 साल पहले जॉब मेरे साथ था और अभी आसिम मेरे साथ।